नमस्कार दोस्तों, प्रेक्षा एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज का जो हमारा वीडियो है वो है टर्म इंश्योरेंस पे, जो कि आज के टाइम पे बहुत ही चर्चित जीवन बीमा का एक टाइप है और बहुत ही पॉपुलर है। और इस पे बहुत सारे सवाल हैं जो शायद आप जानना चाहते होंगे कि टर्म इंश्योरेंस सही है या टर्म इंश्योरेंस सही नहीं है, और बाकी सवाल जैसे कि क्या इसको लेने में फायदा है कुछ, या कितनी बीमा राशि का टर्म प्लान आपको लेना चाहिए, या कितनी अवधि तक का टर्म प्लान आपको लेना चाहिए, और प्रैक्टिकली कितना सही है ये टर्म प्लान। तो आइए इसके बारे में हम और अधिक चर्चा करते हैं और देखते हैं कि क्या है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें है कि लव, समीर और रॉबर्ट तीन दोस्त हैं और जिनकी उम्र है 30 वर्ष। तीनों ने एक ही कॉलेज से एमबीए का डिग्री एक साथ किया है और एक ही कंपनी में तीनों एक ही सैलरी पे जॉब कर रहे हैं। यानी तीनों का प्रोफाइल है बिल्कुल सिमिलर है, एज भी बिल्कुल सिमिलर है। अब क्या है, तीनों ने शादी कर ली है और तीनों के दो दो बच्चे भी हो गए हैं। उसके बाद इन्होंने एक कार ले लिया है और एक घर ले लिया है। कार और घर दोनों है वो लोन पे लिए हुए हैं। कार 20 लाख का है और 70 लाख का घर इन्होंने ले रखा है, और दोनों की किस्तें हैं वो टाइम से ये पे कर रहे हैं। अब क्या करते हैं कि जब सैलरी आ रही है तो इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर दिया है इन्होंने। खर्चा निकलने के बाद जितना पैसा बचता है इन्होंने डिसाइड किया है कि तीनों हर महीने 10-10 हज़ार रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे। और इनके लिए इन्होंने चुना है, लव ने चुना है कि वो म्यूचुअल फंड F4 बैंक FD में अपना 10 हज़ार का निवेश करेंगे, जबकि समीर ने चुना है कि वो 9 हज़ार रुपए म्यूचुअल फंड और बैंक FD में लगाएंगे, जबकि इन्होंने 75 लाख का एक टर्म इंश्योरेंस का प्लान ले रखा है जिसके लिए 1 हज़ार रुपए का इनको हर महीने प्रीमियम देना पड़ता है, जबकि रॉबर्ट ने 8,500 रुपए बैंक FD और म्यूचुअल फंड में डिपॉजिट करते हैं, और इन्होंने 1 करोड़ का टर्म प्लान ले रखा है जिसके लिए इनको हर महीने 1,500 रुपए का प्रीमियम भुगतान करना पड़ता है। जो इन्होंने निवेश किया है म्यूचुअल फंड एंड FD में, उस पे 10% इनको रिटर्न मिलता है। तो जो लव है उनको पूरे के पूरे 10 हज़ार पे 10% का रिटर्न मिलेगा, क्योंकि इन्होंने पूरा का पूरा जो इन्वेस्टमेंट है वो म्यूचुअल फंड एंड FD में किया हुआ है, जबकि जो समीर है इनको 9 हज़ार रुपए पे ही रिटर्न मिलेगा, 1,000 रुपए पे रिटर्न नहीं मिलेगा क्योंकि ये इनका टर्म इंश्योरेंस का प्लान में जाता है। सिमिलरली रॉबर्ट को 8,500 रुपए पे 10% ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट या रिटर्न मिलेगा, जबकि जो 1,500 रुपए टर्म इंश्योरेंस प्लान का प्रीमियम जो जा रहा है उसका इनको कुछ नहीं मिलेगा। अब हम 15 वर्ष बाद देखते हैं, 15 वर्ष बाद कितना कितना इनका धन हो जाता है। तो 15 वर्ष बाद लव का जो टोटल धन हो जाता है 10 हज़ार रुपये मासिक के हिसाब से वो हो जाता है 41,79,000, जबकि समीर का जो धन हो जाता है वो हो जाता है 37,61,000 रुपये, और रॉबर्ट का जो धन है वो हो जाता है 35,52,000 रुपये। अब बात आती है 30 वर्ष बाद की, यानी इन्होंने जब निवेश करते करते 30 वर्ष हो जाएंगे तब इनका जो टोटल फंड है वो कितना हो जाएगा। तो लव का जो टोटल फंड है वो हो जाता है 2,28,000 रुपए, सॉरी 2,28,00,000 रुपए। समीर का जो फंड है वो बढ़कर के हो जाता है 2,05,00,000 रुपए, और रॉबर्ट का जो फंड है वो हो जाता है 1,94,00,000 रुपए का। यानी ये इनका फंड हो जाता है, अगर आप देखेंगे तो फंड में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और अब इनका क्या है, रिटायर हो गए हैं और तीनों की 60 वर्ष की उम्र हो चुकी है, और हम मान के चल रहे हैं कि 60 वर्ष में ये रिटायर हो चुके हैं, और इतना फंड इनका हो चुका है, और इसके साथ ही साथ इन्होंने जो रिटायरमेंट फंड में और भी इन्वेस्ट किया होगा उसका भी इनको मिलता रहेगा भुगतान। तो अच्छी खासी ये रिटायरमेंट के बाद जिंदगी जी रहे हैं। आशा करते हैं कि सारे लोग ऐसी ही जिंदगी जिए। लेकिन दोस्तों होता क्या है, भगवान सबके साथ नहीं होता है, किस्मत सबके साथ नहीं होती है, और सारे लोग रिटायरमेंट तक जिंदा नहीं रह पाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर रिटायरमेंट तक व्यक्ति जिंदा नहीं रहता है तब क्या होगा।
इसी एग्जाम्पल को हम आगे बढ़ाते हैं और मान लीजिए ये तीनों दोस्त जब 45 वर्ष के थे यानी इनको सर्विस करते हुए 15 वर्ष हो गए थे, तब ये क्या है अपनी पार्टी मनाने के लिए एक कार में जा रहे थे। अचानक उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है और इन तीनों की दुखद मृत्यु उसी स्थान पे हो जाती है, यानी तीनों का देहांत हो गया है 45 वर्ष की उम्र में। अब उस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि इन्होंने अपना रिटायरमेंट का 15 साल इनका बाकी है। अब बात आती है कि इनका जो घर का ईएमआई जो बचा हुआ था वो कौन पे करेगा, क्योंकि तीनों ने घर ले रखे हैं और उन घर की ईएमआई तो आती रहेगी। सिमिलरली तीनों ने कार्स भी ले रखी है, उन कार की ईएमआई भी आती रहेगी। अगर इनके घर और कार की ईएमआई टाइम से नहीं भरी गई तो क्या होगा, बैंक आएगा और घर और कार दोनों अपने कब्जे में ले लेगा। उसी हिसाब से इनके बच्चे भी पढ़ रहे होते हैं, उन बच्चों की पढ़ाई का भी खर्चा होगा, वो कहां से आएगा, ये भी एक सवाल उठता है। वैसे ही बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनकी शादी करनी होगी, वो शादी का खर्चा किधर से आएगा, ये भी एक सवाल है। और इसके साथ ही साथ घर में बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का, टेलीफोन का, राशन का, बहुत सारे खर्चे हैं, वो खर्चे किधर से आएंगे, तो बहुत सारे सवाल है वो दिमाग में आते हैं अगर रिटायरमेंट से पहले व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो। अब हम देखते हैं कि इनकी मृत्यु के बाद घर का क्या होने वाला है। तो हम वापस चलते हैं अपने एग्जाम्पल पे। लव, समीर और रॉबर्ट जिन्होंने निवेश किया था 10,000 रुपए का, लव का पूरा म्यूचुअल फंड बैंक एफडी में गया है और समीर का 9,000 रुपए का म्यूचुअल फंड में गया है और 1,000 रुपए का समीर ने क्या ले रखा है, टर्म प्लान ले रखा है 75,00,000 रुपए का, और रॉबर्ट ने 8,500 रुपए म्यूचुअल फंड और बैंक एफडी में निवेश किया है, जबकि बाकी 1,500 रुपए वो क्या कर रहे हैं, टर्म प्लान में पे कर रहे हैं, जिसकी सम एश्योर्ड जो है बीमा राशि है वो है 1,00,000 रुपए। अब एक्सीडेंट के समय यानी वो 45 वर्ष के हो चुके थे, इनको निवेश करते हुए 15 वर्ष हो चुके हैं, तब एक्सीडेंट के समय इनकी नेटवर्थ कितनी हो जाती है, तो लव है इनकी नेटवर्थ हो जाती है 10% के हिसाब से, हमने देखा था कि लव की नेटवर्थ है वो 41,79,000 रुपए हो जाती है और समीर की नेटवर्थ है वो हो जाती है 37,61,000 रुपए और रॉबर्ट की नेटवर्थ हो जाती है 35,52,000 रुपए। यानी नेटवर्थ आप देखेंगे तो 15 वर्ष बाद इनकी नेटवर्थ लगभग सिमिलर है, और हम लव और रॉबर्ट की नेटवर्थ में अगर डिफरेंस भी निकाल के देखें तो लगभग 6,00,000 का डिफरेंस आता है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। अब बारी आती है बैंक, जो इंश्योरेंस क्लेम है उसकी बात आती है कि इंश्योरेंस क्लेम का क्या होगा। यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है और देखिए इंश्योरेंस क्लेम कैसे अपना रोल निभाता है। तो लव भाई ने तो कुछ कर नहीं रखा है इंश्योरेंस, तो लव को तो कुछ मिलने वाला है नहीं, उनको अपने 41,00,000 रुपए और 79,000 के साथ संतुष्टि करनी पड़ेगी। जबकि समीर है, इन्होंने अपने परिवार के बारे में सोचा और 75,00,000 रुपए का इन्होंने टर्म प्लान लिया हुआ था। अच्छा, लव की जो फैमिली है उनकी घर कार, बच्चों की शिक्षा, लाइफस्टाइल सब कुछ भगवान भरोसे है, जबकि समीर ने 75,00,000 का टर्म प्लान ले रखा था, तो समीर के परिवार को 75,00,000 ये मिल जाता है और 37,00,000 जो है म्यूचुअल फंड एफडी के इन्वेस्टमेंट से मिल जाते हैं और कुल मिला के इनका जो अमाउंट होता है 1,12,00,000 के आसपास चला जाता है, जो कि अच्छी खासी अमाउंट है। उसको अगर वो निवेश कर देते हैं परिवार वाले किसी एफडी में डाल देते हैं तो उसका जो है ब्याज उनको मिलता रहेगा और टाइमली वो उसको विड्रॉ करके अपने जो भी बच्चों के घर कार, बच्चों की शिक्षा और इन सब का लाइफस्टाइल है उसको मेंटेन कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ रॉबर्ट हैं, वो थोड़ा ज्यादा सचेत थे और इन्होंने 1,00,000,000 का टर्म प्लान ले रखा है, तो रॉबर्ट को मिल जाता है 1,35,00,000 रुपए। तो दोस्तों आप डिफरेंस देखिए, समीर को लव को मिलता है सिर्फ 41,00,000 रुपए, जबकि समीर को मिलता है 1,12,00,000 रुपए और रॉबर्ट का टोटल फंड हो जाता है 1,35,00,000 रुपए। यानी इन दोनों से लगभग 35,00,000 रुपए ज्यादा इनको, 1,00,000,000 रुपए ज्यादा मिलते हैं। तो लव का परिवार होता है अपना घर खर्च, कार का, बच्चों की शिक्षा और लाइफस्टाइल को बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाता है। तो ये था डिफरेंस, क्योंकि रॉबर्ट ने अपना टर्म प्लान ले रखा था। आइए आगे देखते हैं
बीमा राशि है उसको आपको कैसे निकालना है कि कितनी बीमा राशि तक का आपको टर्म प्लान लेना है। तो इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है और सीधा साधा तरीका है, ज्यादा पचड़े में पड़ना नहीं है। और करना क्या है, जितने भी आपके बकाया लोन है उनको जोड़ लीजिए, एक डायरी में लिख दीजिए कि इतने इतने लोन आपके बकाया हैं, घर का लोन है, कार का लोन है, जितने भी लोन है उनको लिख दीजिए। आपके एजुकेशन का लोन भी कई बार बाकी होता है तो वो भी आप लिख दीजिए। उसके बाद बच्चों की पढ़ाई और शादी में कितना खर्च आप करना चाहते हैं उसको भी जोड़ दीजिए। फिर आप एक काम कीजिए, एक महीने का जितना भी आपका घर खर्च लगता है उसको लिखिए, उसको 12 से गुणा कर दीजिए, तो आपका एक साल का घर का जो खर्चा है वो निकल के आ जाएगा। अब आपको सर्विस में कितना वर्ष बचा है उतने वर्ष से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी समीर और जो ये टर्म प्लान जब लेना शुरू कर रहे थे तो इनको 30 वर्ष पड़े थे, तो इनको 30 से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप लोग मेरे से पूछेंगे कि 30 से मल्टीप्लाई कर दिया तो धीरे धीरे हम मान लीजिए उम्र जीते जाते हैं तो क्या होगा, जैसे जैसे आपने घर खर्च मान लीजिए 30 साल का इन्होंने जोड़ा और इनकी डेथ हुई है 15 साल पे, इनकी डेथ हो गई तो इनको 15 साल ही आगे चुकाना है, लेकिन मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन को काउंट नहीं कर रहे हम, इसलिए आपको करना क्या है, इसको जितना भी है उससे गुणा करना है। उसके बाद करना क्या है, आपने जितने भी निवेश किए हुए हैं जैसे FD, म्यूचुअल फंड, शेयर, प्रॉपर्टी, सोना एटसेट्रा, जितने भी निवेश किए हुए हैं उनको घटा लीजिए, क्योंकि ये पैसा आपके पास आने वाला है तो इसको घटा लेना है। और उसके बाद जितनी अमाउंट बचेगी उसका आपको क्या करना है, टर्म प्लान लेना है। आइए इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के टोटल घर का लोन, कार का लोन और बाकी लोन बट मिला करके 70 लाख रुपए का टोटल लोन होता है, तो इसको हमने जोड़ लिया। उसके बाद बच्चों की पढ़ाई का जो खर्चा है वो 30 लाख रुपए है, उसको जोड़ लिया। उसके बाद बच्चों की शादी है, उसके लिए 50 लाख रुपए का खर्चा लगने वाला है, उसको हमने जोड़ लिया। इसके साथ ही साथ घर खर्च का 20 हजार रुपए हर महीना मान लीजिए लगता है उनका खर्चा, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो साल का जो खर्चा है वो आ जाता है 2,40,000 रुपए। तो 2,40,000 है, इसको 20 से आप गुणा करेंगे तो 48 लाख का, यानी 20 लाख का उनको टर्म प्लान लेना है, तो 48 लाख रुपए का इनका घर खर्च का जो आता है वो आ जाता है। अब मान लीजिए इन्होंने FD, म्यूचुअल फंड, शेयर, प्रॉपर्टी, सोना, इनमें सब में मिला करके इनका टोटल जो निवेश कर रखा है वो है 50 लाख रुपए का, तो इसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो टोटल जो टर्म प्लान इनको लेना है वो लेना है इनको 1,48,00,000 का टर्म प्लान लेना है। इसके साथ ही साथ एक चीज और ध्यान देनी है कि हर 5 साल बाद आपको ये कैलकुलेशन फिर करना है और देखना है कहीं आप अंडर इंश्योर्ड तो नहीं है, कहीं आपका टर्म प्लान कम तो नहीं पड़ रहा है जो करंट परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से। तो हर 5 साल बाद, 10 साल बाद आप इसको रिव्यू करते रहना बहुत जरूरी है। अब आता है कितनी अवधि तक का आपको बीमा लेना चाहिए, टर्म प्लान लेना चाहिए। तो सीधी सी बात है कि जितनी उम्र तक आप काम करना चाहते हैं उतनी उम्र तक, अगर आप 60 वर्ष तक काम करना चाहते हैं तो 60 वर्ष की उम्र तक का टर्म प्लान ले लीजिए, अगर आप 70 वर्ष तक काम करना चाहते हैं तो 70 वर्ष की उम्र तक का टर्म प्लान ले लीजिए। सामान्यतया आपको अपने रिटायरमेंट उम्र तक का ही टर्म प्लान लेना चाहिए, लेकिन आजकल मार्केट में क्या है, 100 वर्ष की उम्र तक का या जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक के टर्म प्लान भी मार्केट में उपलब्ध हैं, तो आप अपने हिसाब से टर्म प्लान ले सकते हैं। जितनी ज्यादा उम्र का आप टर्म प्लान लेंगे उतना ही आपका प्रीमियम है वो बढ़ता जाता है, इसलिए ध्यान से सोच समझ के इसको पैसा आने वाला है ये समझ के नहीं लीजिए, इसको फैमिली का जो इनकम का लॉस होने वाला है उसके प्रोटेक्शन को देख करके लेना है। ये नहीं समझना है कि फैमिली को इनकम हो जाएगी मेरी डेथ पे, 100 साल पे तो डेथ होगी होगी और मुझे 100 साल का टर्म प्लान ले लेना चाहिए। तो दोस्तों जितना प्रीमियम पे करेंगे वो हो सकता है आपका जो टोटल इंश्योरेंस अमाउंट होगी उससे ज्यादा हो जाएगा, इसलिए आपको जितनी उम्र तक आप काम करना चाहते हैं, जितनी उम्र तक आपकी सारी लाइबिलिटीज खत्म नहीं हो जाती है उतनी उम्र तक का टर्म प्लान आपको लेना चाहिए। इसके बाद है क्या हाउसवाइफ या बच्चे भी टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं, तो सीधी सी बात यह है कि टर्म प्लान कोई निवेश नहीं है, ये आपकी आय जो इनकम है उसका प्रोटेक्शन देता है, इसलिए हाउसवाइफ और बच्चों को टर्म प्लान नहीं मिलता है क्योंकि उनकी किसी प्रकार की इनकम नहीं होती है। तो
टर्म बीमा जो दूसरी बात इसकी ये है कि टर्म प्लान है वो उसकी जो बीमा है, बीमा की जो राशि है सम इंश्योर्ड जो होता है वो आपकी इनकम के हिसाब से ही मिलता है। जैसे किसी व्यक्ति की इनकम अगर 2 लाख रुपए है और वो 20 करोड़ का टर्म प्लान लेना चाहता है तो उसको नहीं मिलेगा। तो इस हिसाब से ये चीजें ध्यान में रख करके टर्म प्लान आपको लेना चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा टर्म प्लान का वीडियो, काफी क्लियर हो गया होगा टर्म प्लान आपका। अगर आपकी कोई क्यूरीज है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर डालिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा हो। और जितना जल्दी आप टर्म प्लान लेंगे उतना ही लाइफ में अच्छा है, उतना ही आपका प्रीमियम कम होगा। अगर आप किसी फैमिली मेंबर्स को टर्म प्लान लेने के लिए अगर आप मना पाते हैं तो ये आप उन पे बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं। तो दोस्तों टर्म प्लान में होता क्या है, आप टर्म प्लान ऑनलाइन ले सकते हैं जिसमें आपको किसी प्रकार का कमीशन नहीं देना पड़ता है। इस कारण इसका प्रीमियम होता है बहुत कम आता है, और बहुत कम प्रीमियम में आपको बहुत सारा इंश्योरेंस मिल जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ हर उस अर्निंग व्यक्ति से कम अपने परिवार की रक्षा के लिए एक अच्छा सा टर्म प्लान लेकर के रखिए। थैंक यू सो मच।